हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्यों रो रही हो? अरे यार, मैं जल्दी करने लाया। अरे यार, पागल पागल हो गया, देखो रोने लगी और रोने लगी है। तो अभी उड़ा रहे हैं, तुमको उड़ाना है अभी ना। उड़ाएंगे 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 अभी हम लोग उड़ाएंगे। तो गाइस अभी देखो, आज पूरा उड़ा लिए, मेरा उड़ा ही नहीं। अभी रुको, हम उड़ाएंगे अभी अभी उड़ाएंगे अभी उड़ाएंगे बाबू। सो गाइस, ऐसा है कि आज 15 जनवरी है 2024। सो आज है मकर संक्रांति। आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। जैसा देख रहे हैं कि आप आशु रो रही है, तो उसे और रुलाया जाएगा क्योंकि आज पतंग उड़ाने का दिन है और इसे उड़ाना नहीं दिया जाएगा। मैं सारा पतंग उड़ाऊंगा। ये लोग गंदा, आप मत वीडियो में लाइक सब्सक्राइब करना। लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे ये लोग? नहीं नहीं, बिल्कुल मत करना। अच्छा, तुमको रोता देख के तुरंत कर देंगे, है ना? तो ठीक है गाइस, अभी हम लोग जाएंगे पतंग उड़ाएंगे, आशु को भी उड़वाएंगे और आशु भी उड़ाएगी। देखो अभी पवन ढील दिया है, ठीक है। अबे टूट गया, टूट गया। ए पतंगिया पकड़ो तो। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं पतंग उड़ाने के लिए और अभी आ रहे हैं आयुष, साजन, कैट और पीयूष। तो उन लोग के साथ हम लोग छत पे पतंग उड़ाएंगे। बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आज है 15 जनवरी, मकर संक्रांति, पतंग उड़ाने का दिन है। तो फिर हम लोग पतंग उड़ाएंगे, ठीक है। और चश्मा लगा के मैं हीरो हीरो बन गया हूँ। और ऐसा है कि थोड़ा सा हवा चल रही है तो फिर पतंग ज्यादा उड़ेगी। अरे इनको समझाओ, मेरा भी तो उड़ा दे, मैं भी उड़ाऊंगा। तुम भी उड़ाओगी, मैं भी तुम्हारा उड़ाऊंगा। अभी देखो ये मोटू पतलू का ये पतंग है, ये आशवी उड़ाएगी और इसी से सबको खाली करेगी, इलाका धुआं धुआं करेगी, जैसे हम लोग कल किए थे। हाँ, वो चैलेंज किए थे वो आपको। हाँ, मुझे चैलेंज किया है तो वो मुझे चैलेंज जीतना है, इसलिए मुझे पतंग उड़ाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे अच्छा नक्शा लेकर आना पड़ेगा, उसके लिए मुझे उड़ाना पड़ेगा। तो मैं जा रहा हूँ उड़ाने, और आशु का भी पतंग उड़ेगा, वो भी उड़ाएगी, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। यस, अब हम लोग काटेंगे, देखिएगा आप लोग बस। हाँ, बने रहिए व्लॉग। वेट एंड वॉच। यस, वेट एंड वॉच। आओ काटने, तुम काट दोगी जी। अच्छा, चैलेंज चैलेंज। ये देखो आशवी का पतंग ये है, उड़ रहा है, ठीक है। और अभी पवन भी जा रहा है उड़ाने। आशवी तो यार एक पतंग काट दी आशवी भी। अरे उसको करो भाई। कैश भी इधर बैठा हुआ है। कटे काट दी आशु, काट दी आशु। क्या आपको काटूंगा मैं, अभी रुक जाओ। अच्छा फिर मैं चल। हमको सिखा रही है, बोलो हमको सिखा रही है। आपको सिखा रही है। अच्छा चैलेंज तो भाई अजू करो। सही है सही है सही। और कट गई? नहीं कटी है जी, देखो अभी उड़ा रहा हूँ। देखो ये देखो उड़ा रही, लो पकड़ो। अरे यार, मुझे डर लग रहा है जैसे। अरे यार व्लॉग नहीं बनाएंगे यार, गजब बात कर रहे हो। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं एक रील शूट करके, वो आपको मिल जाएगा जल्दी इंस्टाग्राम पे, व्लॉग से पहले आ जाएगा। हाँ, और अभी हम लोग आए हैं फील्ड में। फील्ड में ऐसा है कि आयुष आ गया है जो कि बहुत ही खतरनाक पतंग उड़ाता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी मां की। ठीक है, पतंग खरीदा नहीं हो लेकिन गाइस, मैं इस बार खरीदे नहीं हो, लेकिन हमारे दोस्त हैं सब जो लेके आए हैं पतंग वतंग, तो उन सबका उड़ाएंगे। मैं भी एक पतंग लेके आ गया हूँ क्योंकि मेरे लिए एक ही पतंग काफी है। एक ही पतंग से सबका मैं आसमान खाली कर देता हूँ, इलाका धुआं धुआं कर देता हूँ। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। और हमारे साथ एक ये देखिए इधर विशु भाई है जो की पतंग मास्टर है। ये भी इलाका धुआं धुआं कर देते हैं। ये बात अलग है कि सारी गुड्डी कटवा देते हैं। सुल्तान अबे रुक, कटवा के धुआं धुआं करते हैं। हाँ, अभी देखो सारे दोस्त हैं यहाँ पे, हैं सुजू भी है। सुजू कहाँ है? इधर देखो कैट है, कैट इसको हम लोग कैटरीना बुलाते हैं। भाई देखो इतनी पतंग हम लोगों ने काट दी, इतनी पतंग काट दी है कि पूछो मत। अब हम लोग का हाथ दर्द कर रहा है, अब
कल की तरह फिर से हाथ दर्द करने लगा। अभी प्रियांशु क्या हुआ कि एक ट्रेजेडी कर दिया है, मैं उड़ा रहा था पतंग तो उसने मेरा पतंग काट दिया कंफ्यूजन कंफ्यूजन में। और हम लोग आयुष के छत पे आए हुए हैं और आयुष भैया को कोई पतंग नहीं दे रहा उड़ाने को, आयुष को कोई पतंग नहीं दे रहा। सुनो किधर माइक है नीचे काटिए, कॉपीराइट लग जाएगा, 15 सेकंड कॉपीराइट लग जाएगा, काट दीजिए नहीं तो काटेंगे आप। क्या यार आ गया ए भैया 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 भैया, कभी कभी मैं कुछ ज्यादा स्मार्ट लिखता हूँ तो क्या नाचो मैं बीप लगा देना। कैसे करोगी जाती हूँ मैं जल्दी है क्या पूछो जरा। It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. इधर भी है, ये भी है। कैस? सही पर यहाँ फरवाद होगी। कैस? हाँ। कैस आ इधर। इतनी पतंग बची रह गई है और मंजा भी खूब पतंग काटी रही थी, मंजा बहुत अच्छा था। देखो ये मंजा इतना पूरा बचा ही हुआ है, मंजा भी अच्छा था तो हमारी पतंग कटी नहीं। और अभी 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 हम उड़ा रहे थे तो अभी एक कटी है, बाकी तो हम काट दिए हैं तो बदला लेने के लिए सब दो तीन मिल के हमको काटे हैं। कोई नहीं, तो, नहीं, ऐसा नहीं तो सब डरते हैं हमसे। हम लोग ने मंजा बहुत खतरनाक लाया था, मंजा दिखा दीजिए एक बार, वो दिखा दीजिए, उधर भी पड़ा हुआ है और फिर एक और उधर वो छोड़ो उस झोले के अंदर भी है ये सबसे खतरनाक मंजा है। इतना सारा पतंग बचा रह गया, अब हम सोच रहे हैं कि इसको बच्चों में दान कर दिया जाए। हाँ। छोटे बच्चे हैं वो सब उड़ाएंगे, अब कल से हमारा सेशनल भी शुरू है, कल परसों एग्जाम भी है इसका, परसों एग्जाम है, कल से मेरा सेशनल है तो कल से फुल लॉन पढ़ाई होगी क्योंकि सेमेस्टर का पेपर भी है 24 से। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आज दो दिन का व्लॉग हुआ है क्योंकि कल बर्थडे था और आज मकर संक्रांति था तो दोनों का साथ में ही आएगा। नहीं साथ में नहीं आएगा, अलग आएगा, पार्ट टू पार्ट नहीं, नहीं अलग अलग आएगा, ठीक है, अलग अलग आएगा। और आप लोग खूब ढेर सारा प्यार मोहब्बत दीजिए, ठीक है, गुड नाइट, लव यू, सो जाओ। गुड नाइट क्यों बोले, याद आ गया क्या? गुड नाइट बाबू, टोपा लगा के सो जा।